वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल दिस वीडियो इज प्रजेंटेड बाई इंजीनियर हडी वॉच फुलडियो फॉर यू बेटर हेलो माई डियर ऑल इंजीनियर्स सिविल इंजीनियर्स हुर वर्किंग इन द एग्जीक्यूशन साइट एंड डिजाइन ऑफिस एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिफेरिंग फॉर जॉब्स आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लेब डिजाइनिंग में एंड डिटेलिंग में प्राइमरी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इस पर आई एस कोड फोर फिफ्टी तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें चैनल में यदि आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दें ताकि सभी आने वीडियो आपको टाइम मिलते रहे आई एम इंजीनियर हरी तो डिटेलिंग रिक्वायरमेंट में मेन जो होती है आपकी नंबर वन में हम देखेंगे नोमिनल कवर तो नोमिनल कवर जो भी होती है फॉर यदि माइल्ड एक्सपोजर है तो ट्वेंटी एम एम रखिए यदि मॉडरेट एक्सपोजर है तो थर्टी में रखिए और अकॉर्डिंग टू आई एस कोर फोर्ट फिफ्टी सिक्स टू थाउजेंड आपकी जो कवर होती है फोर इनफोस कॉन्क्रीट और स्लेब बीम्स और एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स ये आपको डिपेंड करेगी कि एक्सपोजर कैसे है एक्सपोजर तरह तरह के होते हैं माइल्ड हो सकते हैं मॉडरेट हो सकते हैं सीवियर हो सकते हैं मोर सवियर हो सकते हैं जैसे समुद्र के इलाके में मान लिया कि कोई सॉल्ट एक्शन हो रही है वहां पे वो वहां पर आपको 50 एम mm, 60 सिक्सटी एम एम हंड्रेड एम भी कवर हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर एक्सपोजर ऑफ द आर सी सी स्लेब हाई ओवर इफ द डायमेटर ऑफ द बार डोंट एक्सीड ट्वेल्व एम यदि डायमेटर ऑफ द बार यदि बारह एम एम से ज्यादा नहीं है आपकी स्लेब में देन यू कैन रिड्यूस द कोवर बाई फाइव एम एम Thus, the main reinforcement up to 12 mm diameter with mild exposure, you can provide the nominal cover of 15 mm. Now see the minimum reinforcement requirement for the slab. Slab means RCC slab. The reinforcement in the either direction in the slab shall not be less than. Either direction of the slab kaya ki ya आप हो माने मान आप पैरल ले लीजिए या लौंगी ले लीजिए प्लस ब्रेथवाइज ले लीजिए लेंथवाइज और ब्रेथवाइज दैट इज आइदर डायरेक्शन तो ये कहीं भी आर सी सी स्लेब में जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर ए पी टू फिफ्टी एंड जीरो पॉइंट वन टू परसेंट ऑफ़ द सेक्शन एरिया फॉर ए पी फाइव हंड्रेड ये आपकी आती है यह मिनिमम रे इन्फोर्समेंट होनी चाहिए तो आपकी जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट द्रोस्ट्रक्शन एरिया क्या हुई जैसे मान लिया एक स्लेब है उसकी विड्थ है छः मीटर ओके और थिकनेस है आपकी पांच इंची मीन्स एक सौ पच्चीस एम एम तो आपकी जो छः मीटर हुई इनटू पॉइंट वन टू फाइव दिस इज द क्रोस्ट्रक्शन एरिया ऑफ द स्लेब उसका आप जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट ऑफ द टोटल क्रोसक्शन एरिया फॉर एफी टू फिफ्टी इसी तरह जीरो पॉइंट वन टू परसेंटेज लीजिए जो भी क्रोसक्शन एरिया है जो आप सेक्शन को जो कट करते हैं वह आप देखते हैं लेंथ इंटू थिकनेस ऑफ द स्लेप दैट इज द क्रोसक्शन एरिया उसका पॉइंट वन टू परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टील मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एफी फाइव हंड्रेड के लिए

स्लेब तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में हम बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बार पहले बताएंगे कि कितनी होनी चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूशन बार होनी चाहिए फाइव डी मिनिमम और फोर फिफ्टी विच एवर इज स्मॉलर ओके या डी का अर्थ है इफेक्टू डेप्थ इफेक्टू डेप्थ ऑफ स्लेब क्या होती है फ्रॉम टॉप ऑफ स्लेब अपू द सेंटर लाइन ऑफ द स्टील दैट इज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लेब जैसे आपकी बार डायमीटर अगर 12 एम mm एम है तो आपको टॉप से लेकर के 12 एम mm एम जो बॉटम में आपके बार लगाए हुए मेन बार उसको सेंटर में ले लीजिए दैट डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू सेंटर ऑफ द बार ये आपके हो गए इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लेब तो आप पांच से गुना कर दीजिए जो भी इफेक्टिव डेप्थ है तो आप डायमेंशंस लिख लीजिए और देख लीजिए 450 भी लिखिए तो 5 इंटू डी जो डायमेंशंस आपके मिल गए और 450 दोनों में जो स्मॉलर है कम है उसको लेना है डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स इट शैल ऑल्सो नोट दैट इन द स्लेब द मिनिमम क्लियर स्पेसिंग ऑफ द बार शैल नोट बी लेस देन

स्लेब की जो मेन बार है ये हमेशा आपकी इफेक्टिव डेफ निकाल लीजिए स्लेब की जैसे मैंने अभी कहा उसका थ्री इंटू डी कर दीजिए और थ्री हंड्रेड दोनों का डायमेंशन निकाल लीजिए कैलकुलेशन करके जो कम है उसको रखिए आप डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल बार विच इज मेन बार अब देखिए हॉरिजॉन्टल नंबर टू में देखिए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एनफोर्समेंट बार प्रोवाइडेड अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर सेल नॉट बी मोर देन फाइव टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लेब और फोर इज स्मॉलर यदि कोई भी जो मेन बार है श्रिंकेज टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर रखते हैं स्लेब की रेन्फोर्समेंट का मेन बार की स्पेसिंग तो ये चार सौ पचास एम एम से फाइव टाइम्स इफेक्टिव डेफ ऑफ द स्लेब जो दोनों में मिनिमम है उसको रखे फॉर एवॉइडिंग कंसिड्रेशिंग द स्रिंकेज एंड टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट वेयर यू आर प्लेसिंग द आरसी स्लेब मैक्सिमम डायमीटर ऑफ दी बार क्या हो सकती है द डायमीटर ऑफ एनफोर्समिंग बार सेलोड मोर देन वन एट्थ ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ द स्लेब मान लिया कि टोटल थिकनेस ऑफ स्लेब आपकी पांच इंची है वन ट्वेंटी फाइव एम एम तो उसे एट से डिवाइड कर दीजिए और जो डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बाढ़ है वन एर्थ ऑफ थिकनेस ऑफ द स्लेब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए इट ऑलवेज लेस देन वन एर्थ ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लेब फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो भी थिकनेस आपको मिल रही है दैट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब नेक्स्ट पॉइंट लैप लेंथ इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ द हुक्स बार इन इनक्लूडिंग टेंशन सेल बी एल डी अब हम लेप लेंथ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द स्लेब तो ये कम से कम लेप लेंथ जो है एल डी मीन्स डेवलपर लेंथ जो एक सर्टेन फॉर्मूला से कैलकुलेट होती है उससे तो कम नहीं हो और थर्टी फाइव फाइव मीज डायमीटर ऑफ द बार थर्टी फाइव लिख लीजिए और एल डी निकाल लीजिए फॉर्मूला से तो दोनों में जो ग्रेटर है यही आपके रखने हैं एल आपकी लैप लेंथ ओके इससे कम नहीं होनी चाहिए थर्टी फाइव और एल डी से एल डी मीन्स डेवलप लेंथ यदि आपकी डायरेक्ट टेंशन में है कोई स्लेब कॉलम हमेशा कंप्रेशन में होती है बट स्लेब के लिए टेंशन में लेते हैं तो जो लैप लेंथ की जो डिस्टेंसेस है हमारे लैप लेंथ की हमेशा टू एल होनी चाहिए और थर्टी फाइव फाइव इंच डायमीटर ऑफ द बार जो टू एल डी टू इंटू एल डी मींस डेवलपमेंट लेंथ विद अ सर्टेन कैलकुलेशन गिवेन इन द आइस कोड टू तो इंटू एल डी करिए लेंथ निकाल लीजिए और थर्टी इंटू डायमीटर जो है वो लिख दीजिए गुना कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी ग्रेटर है वो लीजिए इफ द बार्स आर इन डायरेक्ट टेंशन उसके बाद है स्ट्रेट लेंथ ऑफ द लैप जो लैप लेंथ की जो स्ट्रेट लेंथ है ये कम से कम फिफ्टीन फाइव और टू हंड्रेड से टू हंड्रेड तो दोनों में जो बड़ा है वो रखिए ये तो साइड पे हम अपने कटिंग के हिसाब से आप रखते हैं स्टील को तो लेप तो आने हैं क्योंकि आपकी साइज भी अलग अलग होती है स्लेब की बीम की तो यहाँ स्लेब की चर्चा हो रही है तो लेप स्प्लाइसेस जो है 36 सिक्स mm एम एम डायमीटर और लार्जर इसके ऊपर आप अलाउ नहीं है इसके लिए हमें यू हैव टू डू वेल्डिंग यदि वेल्डिंग आपकी प्रैक्टिस में नहीं है ऐसे जगह आप काम कर रहे हैं जहां वेल्डिंग नहीं हो पा रही है तो वहां के लिए आप लेप स्प्लाइसेस दे सकते हैं बट उस जगह आपको आठ एमएम की और छह एमएम की रड से आपको स्पाइरल जहां तक लेप डिस्टेंसेस है थोड़ा सा आठ इंची दोनों साइड से बढ़ा करके या दस इंची दोनों साइड से बढ़ा करके स्पाइरल रड दे दे सो सेफ्टी पर्पस बट मेनी कैसेज इट कैन नॉट बी अलाउड एंड वेल्डिंग सेट विल डन फ्रेंड योर बारिज थर्टी सिक्स और लार्जर और लेप स्प्लाइस जब भी देंगे प्लीज नोट दैट दिस शेल बी स्टेगर्ड Or place that, जो की जो area होती है, जैसे स्लेब के मिड में होती है, है सेंटर में भी अलाउ नहीं करे वेरी प्रिकॉशन सेल्फ गिवेंट टू प्लेस द स्प्लाइसिस इन द बीम और स्लेब हाउ टू कैल्कुलेट द डेवलपमेंट लेंथ जो मैंने अभी डिस्कस किया है तो लेटेस्ट ब्रीफ हाउ टू तो कैलकुलेट द डेवलपमेंट लेंथ इन फार्मूला एल डी इज इज द डेवलपमेंट लेंथ फाइव इज द नोमिनल डायमीटर ऑफ द बार एंड सिग्मा एस इज द स्ट्रेस इन बार एट द सेक्शन कंसिडर एट द डिजाइन लोड और टाउ बी डी जो दिया हुआ है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस एज पर आई एस कोड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू पॉइंट वन पॉइंट वन ये को टेबल फॉर्म में रहती है वहां से हम टाओ बी डी देख लेंगे फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील बार सो पुट फाइव की वैल्यू पुट करे जो कि डायमीटर ऑफ द बार है सिग्मा एस की वैल्यू पुट करे और उसको डिवाइड कर दे फोर टाओ बी डी से टाओ बी डी का वैल्यू चार से आप ले ले आइस कोर्ट से और उसको निकाल ले दैट विल गिव यू द एल डी लेट सी हाउ डिटेलिंग हैज बिन डन इड पहले प्लान जो है आपकी दिस इज प्लान ओके नाउ यहां पर आप सेक्शन काटिए सेक्शन काटने पर आपको क्या दिखाई पड़ेंगे स्लेप की विर्थ और थिकनेस दिखाई पड़े हेयर विर्थ इज थ्री पॉइंट फाइव मीटर सो प्रोपरली नोट डाउन और जो भी थिकनेस है वियर नेक्स्ट जहां भी वेरिएशन होती है स्टील की स्टील हो या इसको डिस्टेंस की उसको प्रॉपरली आप कोट करें उस पर प्रॉपरली एरो मार्क दे और लिखे जैसे फॉर मेन बार के लिए दोनों एज पर एट टर्की है और टू फोर्टी mm, एम एम सेंटर सेंटर है दोनों एज पर तो आप उसको लिखे और जो डिस्टेंस है कहाँ तक जा रही है उसको आप प्रॉपर लिखें डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द बीम सपोर्ट और इसकी क्या सेंटर सेंटर होगी वो आप इस मार्क क्लियरली ली और यहाँ पर देखे जो ऊपर की डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसको लिखे सेकेंड लेयर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन बार ये है एट एम एम डायमीटर है वन ट्वेंटी सेंटर सेंटर है थ्रू आउट दी स्लेब तो उसको आप लिखे प्लस जो सपोर्ट पे एक्स्ट्रा बार दिया गया है ऊपर यहां भी दो लेयर है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो टॉप में है टॉप लेयर एंकरेज के लिए देते हैं तो उसको जैसे आपने यहाँ दिया एट एम एम डायमीटर टू फोर्टी सेंटर सेंटर तो उसको लिखे जो जाली की टॉप बार और जो जाली के बॉटम बार है ये भी आप लिखे वन ट्वेंटी एम एम सेंटर और आठ एम एम की स्टील उसकी सपोर्ट क्लियर डिस्टेंस सभी कुछ प्रॉपर से लिखी होनी चाहिए और स्केल भी आप लिख दे तो अच्छा रहे किसी स्केल में बना हुआ है तो इस तरह से हम आठ से स्लेब की डिटेलिंग करते हैं और नोट फुट नोट में डालें फुट नोट में सभी क्लियर कवर क्या होगी लेप लेंथ की मिनिमम डिस्टेंसेस क्या होगी लेप लेंथ कैसे निकाला जाएगा उसमें फॉर्मूला आप कोट कर दें ताकि साइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए मोबाइल नंबर लिख दें अपना सो so दैट और वहाँ कोट करें फॉर एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन्स टू बी कॉन्टेक्टेड एट दिस ई और दिस एड्रेस तो इस तरह से साइट पे हम इस तरह से डिटेलिंग कर लेते हैं ताकि साइट में एजुकेशन करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा टिल देन वॉच मोर थैंक यू हेलो फ्रेंड आई एम हरी वेलकम टू सी एस गुरुजी यूट्यूब चैनल चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक या सब्सक्राइब बटन पर जरूर डेस करें और शेयर करें